सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है स्टेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोक डांस। तो जितने भी फोक डांस होते हैं स्टेट वाइज देख लेते हैं कि किस स्टेट में कौन सा जो फोक डांस है वो फेमस है। बाकी क्लासिकल डांस के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। पू से आंध्र प्रदेश। ओडिसी कहाँ का, उड़ीसा का। कथकली केरला का है। सत्तरिया किसका है, असम स्टेट का है। मणिपुरी किसका है, मणिपुरी का है। और मोहिनीअट्टम केरला का है। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप लोगों से नंबर भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने नंबर है। तो 8 क्लासिकल डांस है। तो ये था क्लासिकल डांस वाले, आप लोगों को सारे याद रखने हैं, उसको किस स्टेट से बिलोंग करता है ये भी। अब चलते हैं फोक डांस, स्टेट वाइज देखेंगे कि किस स्टेट में कौन सा फोक डांस फेमस है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट और आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश से जो आप लोगों का पूछा जाता है, एक पूछा जाता है पोनुंग डांस। ये जो पोनुंग डांस है ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है आप लोगों का पोपिर, पोपिर वाला भी पूछते हैं। और बारडो छाम, ये जो बारडो छाम है ये भी पूछते हैं। तीन आप लोग जरूर याद रखिएगा, पढ़ने आपको सारे हैं। पुइया डांस हो गया, चलो नृत्य वांचो, फिर आप लोगों का पासी कोंगकी हो गया, और पोनुंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोपिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बारडो छाम लास्ट के तीन डांस हैं जो आप लोगों को ज़रूर याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर, असम में। असम का बिहू बार बहुत बार पूछते हैं कि बिहू कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है असम में। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है असम में। कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है असम में। ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। झूमर डांस ये भी असम का है। बगरूम बगा भी पूछते हैं कि ये किस स्टेट का है, तो ये भी असम का है। सत्तरिया डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, तो ये किस स्टेट का है, असम का है। दियोधानी ये भी कहाँ का है, असम का है। और भोरताल नृत्य ये भी पूछते हैं, ये भी असम का है। तो असम के आप लोगों को सारे याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। नेक्स्ट स्टेट आता है आप लोग का बिहार। तो बिहार में जट जाटिन बहुत बार पूछा जाता है कि जट जाटिन कहाँ का है, तो ये बिहार का है। उसके बाद बखो बखेन ये भी बिहार का है। और पंवरिया ये तीनों किसके, बिहार स्टेट के हैं। नेक्स्ट स्टेट देख लेते छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों से पूछा जाता है कि सैला नृत्य जो सैला डांस है किस स्टेट का, छत्तीसगढ़ का है। सुवा नृत्य भी पूछा जाता है। पंडवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पंडवानी कहाँ का है, ये भी आप लोगों का छत्तीसगढ़ का है। फिर आता आप लोग का पंथी नृत्य और राउत नाचा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं कि राउत नाचा किस स्टेट का है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गरबा पूछते हैं, डांडिया पूछते हैं, भवाई पूछते हैं, टिप्पानी पूछते हैं, और ह्यूडो डांस। तो आप लोगों को गुजरात के भी सारे याद रखने हैं। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा में फाग डांस पूछते हैं और सांग पूछते हैं कि सांग कहाँ पर फेमस है, तो ये हरियाणा में है सांग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का छठी नृत्य, खोरिया डांस। धमाल भी पूछते हैं कि धमाल कहाँ का है, ये भी हरियाणा का है। उसके बाद आता है आप लोग का दफ नृत्य, घूमर नृत्य, देन आता है आप लोग का झूमर डांस और लूर डांस, ये कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का थोड़ा पूछा जाता है कि थोड़ा कहाँ फेमस है, तो हिमाचल प्रदेश। नाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, बहुत बार पूछते हैं। एक आता है आप लोग का छाम डांस, तो ये भी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। डांगी डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डांगी ये भी पूछते हैं। और डायमन रक्षा डांस ये भी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से, तो राउप डांस पूछते हैं। भांड पाथेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हफीजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता आप लोगों का भांड जंक्शन, याद रख सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा नगमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं बच्चा नगमा। दुमहल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आता है आप लोगों का बोगी नुचैम एंड कूड, ये आप लोग बस पढ़ लेना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सा, डोलू कुनीथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यक्षगान बहुत बार रिपीट होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। फिर आता है भुट्टा, ये जो भूता है ये भी कहाँ का है, कर्नाटका का है। नेक्स्ट आता है आप लोग का नागमंडला, ये भी बहुत बार पूछते हैं कि नागमंडला किसका है, ये भी आप लोगों का कर्नाटका का है। फिर आता है आप लोगों का पूजा कुनीथा, तो पूजा कुनीथा भी आप लोग याद रख सकते हैं कर्नाटक स्टेट के। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा केरला। तो केरला के आप लोगों को सारे याद रखने, सारे कौन कौन से, कोकी कटोकली, फिर आप लोग कोलकली हो गया, कथकली होगा, मोहिनीअट्टम होगा, थैयम हो गया, और लास्ट जो आता है आप लोगों का ओथमथुलाल, तो ये भी आप लोगों को याद रखना, ओथमथुलाल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुटियाट्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। फिर आप लोगों का आता है कलारीपट्टू, ये आप लोग याद रखिए, वेलाकली ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट आप लोग का पटियानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पटियानी, तो पटियानी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस स्टेट का है, केरला का है पटियानी। फिर आता है आप लोगों का दप्पू काली, ये भी पूछते हैं, और पन्ना ये भी पूछते हैं। तो केरला के आप लोगों को सारे याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केरला के। मध्य प्रदेश के देख लेते हैं, जवारा नृत्य कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तेरा ताली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भगोरिया नृत्य डांस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मटकी कहाँ का, ये भी एमपी का, ये भी बहुत बार आया हुआ है मटकी। उसके बाद आप लोग को याद रखना है कर्मा, जो कर्मा है ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्मा नृत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र के कौन कौन से याद रखने, एक तो धंगारी नृत्य याद रखना, धंगारी गांजा, फिर आप लोग को 10 अवतार, लावणी, सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि लावणी कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है लेजिम, लेजिम कहाँ पर है, ये वाला है, तो लेजिम डांस भी बहुत बार पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है तमाशा, ये वाला तमाशा, लावणी और लेजिम तो आप लोग को ज़रूर याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर, मेघालय। तो बेदनी खल्लम मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोग क्रैंग ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वांगला भी आता रहता है, लाहौ भी आता रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आप लोगों को याद रखने जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। उसके बाद नागालैंड के देख लेते हैं, नागालैंड में नागा डांस होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद बटरफ्लाई डांस कहाँ होता है, ये भी नागालैंड में होता है। और चांगलो भी कहाँ पर होता है, ये आप लोगों का नागालैंड में होता है। और कुकी, कुकी मणिपुर में भी होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा नागालैंड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर, उड़ीसा वाले। उड़ीसा के आप लोग को सारे याद रखने, पाइका हो गया, छऊ हो गया, घुमरा हो गया, बागा नाचा, फिर धन नृत्य, गोटीपुआ मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर कर्मा नृत्य यहाँ पर भी होता है कर्मा। उसके बाद आप लोग आता है दसकाठिया, तो ये सारे याद रखने आप लोगों को उड़ीसा वाले। नेक्स्ट आता है पंजाब का, भांगड़ा, गिद्दा, लुड्डी जागो और किकली, ये कहाँ के, पंजाब के हैं। उसके बाद राजस्थान के देख लेते हैं, राजस्थान का आप लोगों को याद रखना कालबेलिया और घूमर, बहुत बार पूछा है। भवाई कहाँ का, ये भी राजस्थान का, ये भी पूछते हैं। कच्ची घोड़ी कहाँ का, ये भी राजस्थान का, ये भी बहुत पूछते हैं। और एक कठपुतली डांस मोस्ट इंपोर्टेंट है, कठपुतली, तो ये भी याद रखिएगा। तेरा ताली मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के, तो जो आंध्र प्रदेश के वो कौन कौन से हैं, एक तो कच्ची पुड़ी है जो आप लोगों का क्लासिकल डांस भी है, फिर आता भामा कल्पम मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर आता लंबाड़ी, तो लंबाड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, धीमसा आंध्र प्रदेश, कोलाट्टम और बमालू, ये कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। तमिलनाडु के देख लेते, भरतनाट्यम हो गया, उसके बाद बम्बर डांस हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट है, बम्बर के बाद आप लोगों को याद रखना करगम, तो ये तीन याद रखने आप लोगों को तमिलनाडु के। तेलंगाना के आप लोगों को याद रखने हैं बोनालू, एक तो बोनालू मोस्ट इंपोर्टेंट है, और थोला बोमलता, ये दोनों कहाँ के, तेलंगाना के हैं। उत्तर प्रदेश के कौन सा, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैटा, जैटा, ये सारे याद रखने आप लोग को उत्तर प्रदेश के। उत्तराखंड के आप लोग को गढ़वाली, कुमायनी, कजरी, झोरा भी पूछते हैं, फिर नाटी भी पूछते हैं, पांडव नृत्य छत्तीसगढ़ में भी होता है, यहाँ पर भी होता है, भोटिया नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, छपेली और छोलिया, ये कहाँ के, उत्तराखंड के। अब गोवा के देख लेते हैं, गोवा में आप लोग का फुंगड़ी होता है, मांडो होता है, मांडो के बाद धनगर डांस होता है, लैंप डांस, सिग्मो, तो सिग्मो आप लोग को याद रखना कहाँ का, ये आप लोगों का गोवा का है। वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं, तो इसमें आप लोगों का ब्रीता डांस हो गया, उसके बाद गंभीरा कीर्तन पूछते हैं वेस्ट बंगाल का, काठी कहाँ का है, ये भी वेस्ट बंगाल का है, तो याद रखिएगा। मिज़ोरम के देख लेते हैं, तो मिज़ोरम हो गया, चेराव हो गया, चेराव के बाद चिल्लम हो गया, और चिल्लम के बाद होगा जंग तलम, तो ये कहाँ के, मिज़ोरम के हैं। झारखंड के देख लेते हैं, झुमेर हो गया, मर्दानी, जननी, डोमकच, और बस ये तेरे याद रखने झारखंड वाले। उसके बाद आता है, लास्ट आता है मणिपुर वाला, तो मणिपुर के कौन होते हैं, पोंग चोलोम हो गया, उसके बाद रासलीला मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाई हरोबा, ये बहुत बार रिपीट हुआ लाई हरोबा, देन आप लोगों का आता है शिमलाल लास्ट वाला, तो ये याद रखने आप लोगों को मणिपुर से। त्रिपुरा का कौन सा याद रखना, एक तो खर्ची पूजा याद रखिए, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा कहाँ का, त्रिपुरा का है, ओजीगिरी हो गया, गरिया नृत्य कहाँ का, त्रिपुरा का है, तो इतने आप लोग त्रिपुरा के याद रखिए। तो ये तो आप लोग को फोक डांस जो आप लोग को याद रखने, जो जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद आता है हम क्लासिकल डांस देख लेते हैं, भरतनाट्यम, तो इसमें आप लोग को याद रखना कि भरतनाट्यम में कहाँ से परफॉर्म किया जाता है और कौन इसको परफॉर्म करने वाले, दो तीन नाम याद रखने होते हैं। तो भरतनाट्यम को कौन कौन है, एक तो मैं आप लोग को नाम बताऊँगा, एक तो वैद्यनाथन याद रखिएगा, टी बाला सरस्वती मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद रुक्मणी देवी, रुकती नहीं है बिल्कुल भी जब भी वो भरतनाट्यम परफॉर्म करती है, तो रुक्मणी देवी, उसके बाद वैजयंती माला मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर उसके बाद याद रखिएगा ये कर्मानी पदंगिनी, तो ये चार पांच नाम है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा भरतनाट्यम को परफॉर्म करने वाले। कथक के कौन कौन है, तो शोभना नारायण, बहुत बार रिपीट हुआ कि शोभना नारायण कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं कथक, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, और उसके बाद आएगा आप लोगों का सरस्वती सेन, और बस इतने नाम याद रखने आप लोगों को कथक से रिलेटेड। फिर आता आप लोग कथक कली केरला वाला, तो इसको कौन परफॉर्म करते हैं, तो इसमें आप लोग को याद रखना कुमारन नायर और कला मंडलम रजनी, दो नाम याद रखने कथक कली वाले। मोहिनी अट्टम में आप लोग को नाम याद रखना शोभना और अम्मा, उसके बाद कला मंडलम राधिका, ये आप लोग को मोहिनी अट्टम को परफॉर्म करने वाले हैं। कच्चीपुड़ी को कौन है, शोभा नायडू मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद आता है आप लोगों का सत्यनारायण शर्मा और मल्लिका सारे भाई, ये आप लोगों को कच्चीपुड़ी से याद रखने हैं। ओडिसी से कौन कौन है, तो देख लेते हैं, ओडिसी से आप लोग याद रखिएगा कालूचरण मोहपात्रा, बहुत बार रिपीट हुआ है, सुजाता मोहपात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आता है आप लोगों का शोभना सहजनानंद, तो ये भी किसके हैं, ओडिसी वाले। तो ये थे आप लोगों के क्लासिकल डांस, कौन किसको परफॉर्म करता है ये भी आप लोगों को याद रखने मैंने करवा दिए यहीं पर।
अब आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियाज मेजर अवार्ड एंड होनर, भारत के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं, बाइलिंगुअल होगा तो इसमें कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो उस अवार्ड का नाम याद रखना है, वो अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था ये याद रखना है, और वो अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है वो याद रखना है। तो तीन चीज़ें याद रखनी है। करंट के परस्पेक्टिव से ये भी याद रखना है कि करंट में वो अवार्ड किसको दिया गया है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहला अवार्ड आता है भारत रत्न। भारत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न अवार्ड बहुत बार रिपीट हुआ है कि पहली बार कब दिया गया था, तो 1954 में दिया गया था। कब दिए गए थे? 1954 में, और ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। करंट में, करंट का यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद आता है पद्म विभूषण का, इसका करंट में क्वेश्चन याद रखना कि करंट में किसको दिया गया है। ये भी 1954 में स्टार्ट होता है, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। नेक्स्ट आता है पद्म विभूषण, तो इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1954। उसके बाद आता है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये 1965 में स्टार्ट होता है। आप लोग को याद रखना कि करंट में किसको दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड। तो दो अवार्ड है, एक तो 55वें नंबर का दिया जा चुका है और एक 56वें नंबर का, दोनों आप लोगों को करंट के परस्पेक्टिव से याद रखने हैं। और कौन देती है इनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। उसके बाद कुछ वॉर टाइम पर दिए जाते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, तो इनको भी कौन देती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। कब ये स्टार्ट हुए थे? 1952 से ये स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद आप लोगों को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी पीस प्राइज़, तो कौन देती है इसको? इंडियन गवर्नमेंट देती है। और ये किस लिए दिया जाता है? 125वीं एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव हैड अनाउंस दैट दिस अवार्ड विल बी ऑन द पैटर्न ऑफ नोबेल प्राइज, इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किस में दिया जाएगा? ये आप लोगों का पीस के क्षेत्र में दिया जाता है, महात्मा गांधी पीस प्राइज़। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये कौन देती है? इंडियन गवर्नमेंट देती है। और ये सोशल रोल में, सोशल चेंजेस लाने के लिए दिया जाता है सोसाइटी में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है दादा साहब, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं, तो उनके नाम पर ही अवार्ड का नाम पड़ा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। 1969 में स्टार्ट होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको देती है। और किस फील्ड में? इंडियन सिनेमा की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज हो चुका है और मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। और अभी ये 2023 वाला अनाउंस होने वाला है, तो वो करंट वाला भी याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 1991 में स्टार्ट हुआ था, पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले भारत के प्रसिद्ध पुरस्कार, तो इंडियन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो है मूर्ति देवी अवार्ड, कौन देती है इसको? भारतीय ज्ञानपीठ देती है। और ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, बस तीनों चीज़ याद रखनी, मूर्ति देवी, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद आता है अर्जुन पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार का, आप लोग को ईयर भी याद रखना है 1961। और इसको देती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस वाला जो स्पोर्ट वाली मिनिस्ट्री है वो देती है, और स्पोर्ट की फील्ड में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखिएगा 1985, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द कोचेज, ये कोचेज को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड कब स्टार्ट होता है? तो 1954 में साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और 22 और 2 टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, इंग्लिश एंड राजस्थानी में भी दिया जाता है। तो 22 तो आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है वो, और 2 हो गया आप लोगों की इंग्लिश एंड राजस्थानी। करंट में किसको दिया गया साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये भी आप लोगों को याद रखना है, 3-4 लैंग्वेज में। सरस्वती सम्मान कब स्टार्ट होता है? 1991 में स्टार्ट होता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये भी आप लोगों का लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना भारत भारती पुरस्कार, ये यूपी का हाईएस्ट अवार्ड है जो हिंदी के द्वारा दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मिस इंडिया, तो आप लोगों को पता ही 1994 में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का संगीत नाटक, ये याद रखिएगा कि ललित कला अकेडमी पुरस्कार कब स्टार्ट होता है? 1955 में ललित कला अकेडमी के द्वारा ये दिया जाता है। उसके बाद आता है फिल्म फेयर अवार्ड, चमेली देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि चमेली देवी अवार्ड मीडिया फाउंडेशन के द्वारा किस फील्ड में दिया जाता है? तो जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है आप लोगों का चमेली देवी अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2022, ये कब स्टार्ट होता है? 1992 में स्टार्ट होता है, राजीव गांधी मेमोरियल फंड के द्वारा यह दिया जाता है, फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रमोटिंग द पीस एंड कम्युनल हारमोनी के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है आप लोगों का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1985 में स्टार्ट होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा दिया जाता है, और किस फील्ड में दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कलिंगा पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखिएगा 1952, इसको यूनेस्को देती है, और ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है। विधान चंद्र रॉय अवार्ड, तो ये मेडिसिन की फील्ड में दिया जाता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा।
धनवंतरी अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, धनवंतरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। होमी भाभा पुरस्कार 1990 में स्टार्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में और इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में यह दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड खेल मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ वाले के द्वारा दिया जाता है इन द अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स। सी के नायडू पुरस्कार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया BCCI के द्वारा दिया जाता है टुवार्ड्स इन द इंडियन क्रिकेट, जो भी एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्रिकेट में इंडिया की ओर से। तो ये थे आप लोगों के अवार्ड जो जो आप लोगों को स्टैटिक में बनते हैं, मैंने सारे बता दिए हैं। ईयर भी याद रखना, फील्ड भी याद रखना और कब स्टार्ट होता है ये भी याद रखना और कौन देता है ये भी याद रखना। अब चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर। ये हमारा थर्ड टॉपिक है तो इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट कब बना था, स्टेट का फाउंडेशन डे आप लोगों से पूछते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट कब बना था। सबसे पहला स्टेट आता है अरुणाचल प्रदेश, तो ये बनता है आप लोगों का 20 फरवरी 1987 को। असम कब बनता है, 2 दिसंबर 1928 को असम बनता है। आंध्र प्रदेश कब बनता है, 1 नवंबर 1956 को बनता है। ओडिशा 1936 में बनता है। यूपी 1950 24 जनवरी 1950। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बनता है, उत्तराखंड यूपी को काटकर। कर्नाटका बनता है 1 नवंबर 1956, और कर्नाटका का नाम कब चेंज होता है, तो 1973 में। इससे पहले इसका नाम मैसूर हुआ करता था, मैसूर जो हैदर अली वाला मैसूर था। केरला 1 नवंबर 1956। गुजरात 1 मई 1960, गुजरात और मुंबई बॉम्बे दोनों एक साथ होता है महाराष्ट्र। गोवा का क्या होता है, 30 मई 1987। जम्मू एंड कश्मीर का 26 जनवरी 1950। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 और तमिलनाडु का 1 नवंबर 1956। झारखंड का 15 नवंबर 2000, जो 15 नवंबर को होती है बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी। तेलंगाना का कब होता है, 2 जून 2014 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। नागालैंड 1963, ये भी पूछते हैं, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था। पंजाब 1 नवंबर 1966। पश्चिम बंगाल 20 जून 1947। बिहार 12 22 अप्रैल 1912। MP 1 नवंबर 1956। उसके बाद आता है मणिपुर, मणिपुर बनता है 21 जनवरी 1972। महाराष्ट्र 1 मई 1960। महाराष्ट्र एंड गुजरात एक साथ बनते हैं बॉम्बे को काटकर। मिजोरम 20 फरवरी 1987। मेघालय 21 जनवरी 1972। राजस्थान 30 मार्च 1949 को राजस्थान बनता है। सिक्किम कब बनता है, ये बनता है आप लोगों का 16 मई 1975 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 और पंजाब भी 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश ये बनता है आप लोगों का 1971। कब बनता है हिमाचल प्रदेश, 1971। तो ये थे आप लोगों के स्टेट के फाउंडेशन डे जो पूछे जाता है। अब स्टैटिक के अंदर में एक टॉपिक आता है आप लोगों का सोलर सिस्टम। तो अब सोलर सिस्टम के बारे में एक एक जितने भी प्लैनेट हैं, सबसे पहले आप लोगों को प्लैनेट पता होने चाहिए कितने हैं। तो 4 और 4 8 प्लैनेट हैं हमारे। कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं। और ऑर्डर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सन से क्या ऑर्डर है, मरकरी वीनस अर्थ। तो सन से अगर ऑर्डर देखा जाए तो अर्थ तीसरे नंबर पर आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो जुपिटर होता है, सबसे छोटा पूछा जाए तो मरकरी होता है। सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो सैटर्न होता है। तो जी एस याद रखिए, जुपिटर और सैटर्न। एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी पाई जाती है जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में रहती है, तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट भी आप लोगों को याद रखनी है, मार्स एंड जुपिटर। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो प्लेनेट आता है आप लोगों का मरकरी आता है, ये सबसे नियरेस्ट होता है सन के, सबसे छोटा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर द सनसेट। और इट ये जो अपना टाइम पीरियड रिवोल्यूशन है 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। मैं इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, सबसे तेज़ी से रिवोल्यूशन करता है। और एक्सट्रीम वेदर में इसका जो टेम्परेचर है प्लस के 400 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मरकरी को हम बोला जाता है इज नोन एज द रोमन गॉड ऑफ द कॉमर्स। तो ये थे आप लोगों के मरकरी के फैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वीनस। मरकरी के बाद आता है वीनस, इसको सबसे चमकता ग्रह बोलते हैं, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह भी वीनस को ही बोला जाता है। इसको मॉर्निंग स्टार अथवा इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, इसको अर्थ के ट्विन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके पास क्या होता है, कोई भी मून नहीं है। तो एक तो मार्स हो गया और एक हो गया वीनस, तो इनके पास कोई भी मून नहीं है। और इसका रोटेशन भी कहाँ से होता है, ईस्ट से लेकर के वेस्ट की ओर रोटेशन करता है, जबकि जो अर्थ का रोटेशन होता है वो वेस्ट से ईस्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ, जो हमारा सन से तीसरे नंबर का है। सबसे पहले आप लोगों का आएगा अर्थ के बारे में देख लेते हैं। अर्थ क्या, तीसरा नियरेस्ट प्लेनेट है टू द अर्थ और पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि अर्थ साइज के हिसाब से सोलर सिस्टम का कौन से नंबर का प्लेनेट है, तो पाँचवें नंबर का है।
इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल हैंस इज सेप इज सेप पूछते हैं कि अर्थ की सेप कैसी है, तो जियोइड सेप है। अर्थ के पास एक मून है जिसको चंद्रमा बोलते हैं और इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की हाइट याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। अब अर्थ के बाद नेक्स्ट सेटेलाइट आता है आप लोग का मार्स, तो इट अपीयर स्लाइटली रेडिश, ये रेड कलर का होता है। अब रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। और मार्स के पास दो सैटेलाइट होते हैं, एक फोबोस होता है एक डिमोस होता है, फोबोस एंड डिमोस। ये जो डिमोस है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है, तो वो हो जाएगा डिमोस। निक्स ओलंपिया पूछते हैं कि निक्स ओलंपिया कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मंगल ग्रह पर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 times हाइयर माउंटेन है। कौन सा, माउंट निक्स ओलंपिया। दो सैटेलाइट हम देख चुके हैं, फोबोस एंड डिमोस, इसको बोलते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज द रोमन गॉड ऑफ वॉर। तो मार्स हो चुका है हमारा। उसके बाद आता है नेक्स्ट जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट, तो लार्जेस्ट प्लेनेट, और इसके जो अबाउट 318 गुना अर्थ का है। ये हमारा रैपिडली सबसे फास्ट रोटेट करता है, रैपिड ऑन इट्स एक्सिस। इट हैज़ फेंट, इसके पास क्या होती है, रिंग्स होती हैं। इट हैज़ 75 मून, और 75 मून होते हैं इसके पास, और रिंग भी इसके पास। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सैटर्न, तो सैटर्न क्या है हमारा, अपीयर्स येलोइश इन कलर। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट होता है। इट लुक ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द इट हैज़ 7 main rings। तो पूछी जा सकती है कि सैटर्न के पास कितनी रिंग है, तो 7 rings है। सैटेलाइट तो इस पर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये 150 के आसपास भी हो गए होंगे सैटेलाइट, तो ये तो बहुत डेटा पुराना है 82 वाला। उसके बाद आता है हमारा सैटर्न के बारे में ही, सैटर्न आल्सो हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल प्लेनेट, तो सबसे कम डेंस प्लेनेट पूछा जाए तो कौन सा है, सैटर्न हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डेंस प्लेनेट पूछा जाए तो अर्थ हो जाएगा, पृथ्वी। इट इज़ द लीस्ट डेंस, देख चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा यूरेनस, तो इट इज़ कॉल्ड एज द ग्रीन प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेथेन गैस, इस पर प्रेजेंट होती है, तो इसको ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं। रेड प्लेनेट आप लोगों का मंगल ग्रह, हरा ग्रह आप लोगों का यूरेनस ग्रह, और नीला ग्रह आप लोगों का अर्थ पृथ्वी। लाइक वीनस, यूरेनस आल्सो रोटेट फ्रॉम वेस्ट से लेकर के ईस्ट की ओर रोट। ये आप लोगों का दो प्लेनेट आप लोगों के, एक तो यूरेनस और एक वीनस, जो आप लोगों के कैसे रोटेट करते हैं, ये आप लोगों के ईस्ट से लेकर के वेस्ट की ओर रोटेट करते हैं, बाकी सारे वेस्ट से लेकर के ईस्ट की ओर तरह रोटेट करते हैं। यूरेनस हैज़ मेजर मून्स कौन कौन से, तो मिरांडा, एरियल, अम्ब्रेल, टाइटेनिया एंड ओबरॉन। उसके बाद इट इज़ आल्सो नोन एज द एंशिएंट ग्रीक ऑफ गॉड, तो साइडवेज प्लेनेट भी इसको बोलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, फर्स्ट प्लेनेट फाउंड यूजिंग ए टेलीस्कोप, तो यही था आप लोगों का। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेपच्यून, तो नेपच्यून के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा कोल्डेस्ट प्लेनेट है और एंड द विंडेस्ट प्लेनेट। देर 14 satellites होते हैं इसके पास और 5 इसके पास रिंग होती हैं। वॉयजर 2 इज़ द ओनली स्पेस क्राफ्ट विजिटेड हेयर, ये जो वॉयजर 2 है ये एकमात्र स्पेस क्राफ्ट है जिसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है हमारे सोलर सिस्टम में। इट इज़ एन आइस जायंट, ये एक तरीके का आइस का जायंट है पूरी तरीके से। ड्वार्फ प्लेनेट देख लेते हैं, आर ऑब्जेक्ट सिमिलर टू द प्लेनेट की तरह ही होते हैं सोलर सिस्टम में, और इनके पास क्या होता है, दे डिड नॉट क्लियर दियर ऑर्बिटल, इनके पास जो इनका ऑर्बिट होता है जहाँ पर ये रिवॉल्व करते हैं वो क्लियर नहीं होता है, तो इस वजह से इनको ड्वार्फ बोलते हैं। और 5 तरीके के ड्वार्फ प्लेनेट होते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं, प्लूटो, सेरस, आयरिस, हुमिया एंड मेकमेक। तो ये 5 ड्वार्फ प्लेनेट हैं, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एस्टोरेट बेल्ट देख चुके हैं हम, ये किस किस के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती है। एक एस्टोरेट बेल्ट होती है, 1000 ऑफ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो किसके बने रहते हैं, वो भी उसके ही क्या नाम, जो हमारी रॉक्स होती हैं उसके बने होते हैं, रॉकी पार्टिकल्स होते हैं। दे रेंज इन द साइज फ्रॉम टाइनी डस्ट लाइक पार्टिकल टू द ड्वार्फ प्लेनेट सेरस। तो ये थे आप लोगों की एस्टोरेट बेल्ट। तो ये 2 topics हो चुके हैं हमारे, 3 topics। अब चलते हैं हम 4th topic पर। 4th topic आता है हमारा नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में। अब करते हैं नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, एक एक करके देखेंगे सारी चीज़ें इसमें भी। तो हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है वो क्या है, अशोका पिलर है, या आप लोग देख सकते हैं हमारा नेशनल एम्ब्लेम। तो इसका इसके बारे में जो डिटेल है, द नेशनल एम्ब्लेम इंडिया इज़ द रेप्लिका ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द अशोका पिलर, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, एट सारनाथ, तो सारनाथ पूछते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इसको अडॉप्ट किया था, तो इसको अडॉप्ट किया था 26 January 1950 को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो ये जो लिखा हुआ सत्यमेव जयते, तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया मुंडको उपनिषद से। और ये किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया सत्यमेव जयते।
नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया डिफरेंट कलर आर यूज इन गवर्नमेंट ऑफ वर्क, तो जो कलर यूज़ होते हैं कौन कौन सा कलर कहाँ यूज़ होता है, तो जो ब्लू कलर का होता है ये आप लोग का मिनिस्टर जो यूज करते हैं, रेड कलर कौन करते हैं मेंबर एंड ऑफिशियल्स ऑफ द राज्यसभा, ग्रीन कलर का कौन यूज़ करते हैं मेंबर ऑफ द लोकसभा। उसके बाद चलते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में, तो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर है, इसके आप लोग कलर भी याद रखना कि सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन, और जो ब्लू कलर का होता है अशोक चक्र जिसमें कितनी स्पोक्स हैं 24, तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। उसके बाद द नेशनल फ्लैग हैज़ प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई हंसा मेहता, तो ये भी नाम याद रखेगा हंसा मेहता। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज थ्री स्ट्रिप कलर होते हैं, ये मैं कलर बता चुका हूँ, 24 स्पोक्स होते हैं, ये भी पूछते हैं, और कहाँ से लिया गया, टेकन फ्रॉम द अशोका आयरन पिलर। उसके बाद रेशियो याद रखिएगा कि इसकी लंबाई 3 होती है, चौड़ाई 2 होती है ट्राई कलर का। इसको डिज़ाइन किसने किया था, पेंगाली वेंकैया ने, और पहली बार इसको जर्मनी में फहराया गया था, ये भी याद रखिएगा, जर्मनी के स्टोंटन्सबर्ग में। द फेमस फ्लैग सॉन्ग कौन सा, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, और इसको किसने गाया था, श्याम लाल गुप्ता ने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब चलते हैं जनगणमन जो हमारा नेशनल एंथम है, तो नेशनल एंथम के बारे में देख लेते हैं फैक्ट, जो नेशनल एंथम है इसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और जो बांग्लादेश है अमार सोनार बंगला वहाँ का जो नेशनल एंथम है वो भी किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओनली एकमात्र ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने दो कंट्री के नेशनल एंथम लिखे हैं, 1913 में पहले एशियाई बने थे जिन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद आप लोगों का आता है इसका जो टाइम होता है कि 52 सेकेंड होता है, और अगर इसको मिनिमम टाइम में गाना होता है तो 20 सेकेंड होता है। पहली बार इसको 1911 में कोलकाता सेशन जो INC के सेशन हुआ करते थे, तो 1911 में इसको गाया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको 1912 में पब्लिश किया था। ये टाइटल पूछते हैं किस टाइटल से पब्लिश किया था, तो उस टाइटल का नाम है भारत भाग्य विधाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किस पत्रिका जो थी वो कौन सी थी, तत्वबोधिनी, तो तत्वबोधिनी भी आप लोग याद रखिएगा, और टाइटल क्या था, भारत भाग्य विधाता, ये भी याद रखिएगा। और इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही किया गया था, किस ईयर में, 1919 में किया गया था, और क्या टाइटल रखा गया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो इसको देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं। तो ये इसको अडॉप्ट कब, इसको भी 24 जनवरी को ही किया था, ये भी हमारा 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था नेशनल सॉन्ग। और इसको किसने गाया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो नोवेल लिखी गई थी आनंद मठ, उससे लिया गया है इसको, और पहली बार इसको 1896 में कोलकाता सेशन में ही गाया गया था। और रहीमतुल्ला शियानी का भी नाम याद रखिएगा। द सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बिगिन विद द जनगणमन, हमारी पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उसकी शुरुआत होती है जनगणमन से, और एंड होता है उसका वंदे मातरम। उसके बाद कैलेंडर के बारे में देख लेते हैं, हम जो कैलेंडर हैं उसको फॉलो करते हैं, उसका नाम है साका, तो साका कैलेंडर को फॉलो किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, साका सम्मत पर आधारित होता है। और हमने कब इसको अडॉप्ट किया था, 22 मार्च 1957, ये भी पूछते हैं। और हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो पहला मंथ होता है वो चैत्र का होता है, कौन सा मंथ होता है, तो चैत्र का जो मंथ होता है ये सबसे पहला मंथ होता है। उसके बाद नेशनल कैलेंडर मीट्स द डेट ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर, इट इज़ यूजुअली स्टार्ट ऑन द 22 मार्च ऑन द लीप ईयर मार्च 21, तो ये मार्च के महीने में स्टार्ट होता है, और पहला मंथ इसका कौन सा होता है, चैत्र का होता है। अब चलते हैं नेशनल बर्ड, ये हमारा पीकॉक होता है, और नेशनल फ्लावर हमारा लोटस होता है। तो नेशनल पीकॉक का आप लोग साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, पावो क्रिस्टमस होता है, और कमल का क्या होता है, नीलम्बो निशुफेरा, तो ये भी याद रखिए कमल का जो हमारा नेशनल फ्लावर है। नेशनल एनिमल हमारा कौन सा होता है, टाइगर होता है। नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो होता है। दोनों के आप लोगों को साइंटिफिक नाम भी याद रखने हैं क्योंकि पूछते हैं। एक आता है प्रोजेक्ट टाइगर का भी स्टार्ट किया गया था 1973 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1972 में, ये भी याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये लिख दिया, अब साइंटिफिक नाम जरूर याद रखिएगा, पेंथेरा टिग्रिस, और मैंगीफेरा इंडिका होता है आम का नाम, जो आप लोगों का साइंटिफिक नेम है। नेशनल ट्री हमारा बनियान ट्री होता है, जिसको हिंदी में बरगद बोलते हैं।
नेशनल रिवर हमारी गंगा रिवर होती है। और अब इनके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। नेशनल ट्री जो है हमारा बनियान ट्री है, साइंटिफिक नेम इसका फाइकस बांगा है, और एक ह्यूज ट्री होता है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं। गंगा रिवर हैज़ बिन डिक्लेयर एज द नेशनल रिवर, 2008 में इसको डिक्लेयर किया गया था। भारत की सबसे लंबी रिवर है और लेंथ इसकी कितनी है, 25-25 किलोमीटर। नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा क्या है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन है। नेशनल हेरिटेज एलिफेंट क्या है हमारा, नेशनल हेरिटेज एनिमल है। इनके भी आप लोगों को केमिकल नाम याद रखने हैं, इसका नाम है प्लांट टिस्टा गैंगेटिका और एलिफेंट का एलियाफास एंडिका। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आता है, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट ट्राइनो याद रखने, गेंडा वाला 1987 में स्टार्ट होता है। उसके बाद देख लेते हैं इंपोर्टेंट डेज, हर महीने के कौन कौन से इंपोर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। ये हमारा पांचवा टॉपिक है। तो सबसे पहले मंथ वाइज देखेंगे, जनवरी में हमारा माइग्रेशन डे होता है 9 जनवरी को, जब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटते हैं और गोखले जी उनको रिसीव करते हैं, तो उन्हीं की याद में 9 जनवरी को मनाया जाता है माइग्रेशन डे। उसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। और आर्मी डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जो जयंती होती है वो 23 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इंडियन टूरिज्म डे आप लोगों का 25 जनवरी को होता है। उसके बाद होता है इंडियन रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी, और मार्टियार दिवस या शहीद दिवस होता है आप लोगों का 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की जाती है नथुराम गोडसे के द्वारा। वर्ल्ड कैंसर डे आप लोगों का 4 फरवरी, वैलेंटाइन डे आप लोगों का 14 फरवरी, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी, और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, रमन इफेक्ट की खोज होती है इस दिन, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्च, नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डिसेबल्ड डे 21 मार्च, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे 22 मार्च, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो मार्टियार दिवस मनाया जाता है वो 23 मार्च, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे 23 मार्च, वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च। अप्रैल के देख लेते हैं, 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 2 दिन होते हैं, एक तो आप लोगों का क्या होता है उत्कल डे भी होता है और अप्रैल फुल डे भी होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे आप लोगों का 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड होम्योपैथी डे डॉक्टर सर हनीमैन का बर्थ एनिवर्सरी होता है 10 अप्रैल, जलियावाला बाग कांड 13 अप्रैल, भीमराव अंबेडकर की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो 14 अप्रैल होती है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, हेरिटेज एनिमल हमारा कौन सा, एलिफेंट है। इंडियन सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज डे आप लोगों का 24 अप्रैल। उसके बाद मई के देख लेते हैं, वर्ल्ड कॉमेडी डे मई के पहले रविवार को, और इंटरनेशनल लेबर डे या फिर लेबर डे 1 मई को, वर्ल्ड प्रेस डे 3 मई को, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे आप लोगों का 11 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सिस डे 12 मई को, और कॉमनवेल्थ डे आप लोगों का 24 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे आप लोगों का 25 मई, हिंदी जर्नलिज्म डे 30 मई, वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब जून के देख लेते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे 12 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून, और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे आप लोगों का 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को, और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को। डॉक्टर्स डे जो आप लोग का डॉक्टर विधान राय चंद्र रॉय थे उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसी की मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, इनकम टैक्स डे 24 जुलाई, कारगिल का जो विजय दिवस है वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगस्त में देख लेते हैं, हिरोशिमा डे 6 अगस्त, वर्ल्ड ट्राइबल डे या नागासाकी डे 9 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आप लोगों का 29 अगस्त। सितंबर के देख लेते हैं, टीचर्स डे आने वाला है आप लोगों का 5 सितंबर को, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर्स डे आप लोगों का मनाया जाता है 15 सितंबर को, वर्ल्ड ओजोन डे मोस्ट इंपोर्टेंट 16 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर। अक्टूबर के देख लेते हैं,
इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, तो ये होता है आप लोगों का 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी होती है 2 अक्टूबर को। और वर्ल्ड टीचर डे होता है 5 अक्टूबर को, और नेशनल टीचर डे होता है 5 सितंबर को, एक महीना पहले। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर, और नेशनल पोस्ट डे आप लोगों का 10 अक्टूबर। फिर आता है वर्ल्ड फूड डे मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 अक्टूबर, और यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर, और नेशनल यूनिटी डे होता है आप लोगों का 31 अक्टूबर। नवंबर के देख लेते हैं, नेशनल लीगल लिटरेसी डे 9 नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है। चिल्ड्रंस डे आप लोगों का 14 नवंबर, डायबिटीज डे 14 नवंबर, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन 26 नवंबर, नेशनल लॉ डे 26 नवंबर, और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कौन सा होता है हमारा 26 नवंबर। उसके बाद दिसंबर के देख लेते हैं, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, नेवी डे 4 दिसंबर, भीमराव अंबेडकर की जो पुण्यतिथि होती है डेथ एनिवर्सरी 6 दिसंबर, और फ्लैग डे होता है आप लोग का 7 दिसंबर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है आप लोग का 10 दिसंबर, और विजय दिवस जो होता है आप लोगों का ये होता है 16 दिसंबर, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था 16 दिसंबर 1971। गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है आप लोग का 22 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह दिवस की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ये होता है आप लोग किसान दिवस 23 दिसंबर, और नेशनल कंज्यूमर डे होता है आप लोगों का 24 दिसंबर। तो ये थे सारे डांस जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट डेज़ हर महीने के मैंने कवर करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार। यहाँ से भी आप लोगों का स्टैटिक में एक क्वेश्चन बनता है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा होता है, एक तो दक्कन होता है, दशहरा होता है, उगाड़ी पूछते हैं कहाँ का है, और ब्रह्मा महोत्सव भी आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ का सोलंग याद रखना है आप लोगों को, लोसर भी याद रखना है, मोपिन भी याद रखना है, और मुनप्पा ये आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश के हैं। असम के क्या है, एक तो आप लोग बैशागू अंबुबाची मेला जो कामाख्या टेम्पल पर लगता है, देहांग पटकाई और भोगाली बिहू, ये कहाँ के हैं, असम के। बिहार के छठ पूजा और बिहुल होता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोवा का लादिन मांडो और सनबन फेस्टिवल, ये आप लोगों का पूछा गया सनबन फेस्टिवल कहाँ का है, ये आप लोगों का गोवा का है। गुजरात का देख लेते हैं, कच्छ फेस्टिवल, नवरात्रि और जन्माष्टमी। हरियाणा का बैसाखी है, और सांग भी कहाँ होता है, सांग SANG सांग, ये भी आप लोगों का हरियाणा में होता है। हिमाचल प्रदेश में गोची फेस्टिवल और राख दुमनी, ये कहाँ का आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश, राख दुमनी। झारखंड का देख लेते हैं, होली, रोहिणी टुसु, करम उत्सव। जम्मू कश्मीर का बहु मेला और दोस मोचे, तो दोस मोचे कहाँ का, ये आप लोगों का जम्मू कश्मीर का है। अब देख लेते हैं कर्नाटका के, तो उगाड़ी हो गया, मैसूर दशहरा कर्नाटका का है। केरला में विशु और ओणम केरला के हैं। MP में खुजराव फेस्टिवल हो गया और रंग उत्सव MP का है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और गणेश उत्सव। मिजोरम में होता है चापचुरकुट, तो ये जो चापचुरकुट है ये कहाँ का, मिजोरम का है। मेघालय का देख लेते हैं, खासी हो गया, नॉन क्रैम हो गया, फिर आप लोग का वांगला हो गया, और चिराव फेस्टिवल, ये कहाँ के, मेघालय के हैं। मणिपुर में होता है चवनकुट और योशांग पोरग, ये आप लोग के मणिपुर के हैं। उसके बाद नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, माउत्सु फेस्टिवल होता है। उड़ीसा में रथ यात्रा पर्व और नोवाखाई। पंजाब में लोहड़ी, राजस्थान में तीज या फिर बूंदी या फिर गंगौर, ये कहाँ के, राजस्थान के। सिक्किम में लोसर या सागा दावा, तमिलनाडु के पोंगल हो गया, थाई पुसम हो गया, तेलंगाना के हो गए बतुकम्मा एंड बोनालू, त्रिपुरा के होगी खर्ची पूजा, उत्तराखंड का हो गया गंगा दशहरा, उत्तर प्रदेश का रामनवमी, नवरात्रि, खिचड़ी, गंगा महोत्सव, और वेस्ट बंगाल का हो गया दुर्गा पूजा, जो बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल में। तो ये तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी हम लोग देख चुके हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची जो 1947 से लेकर के करंट में प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी तक के, सबके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने सबसे लंबे टाइम पीरियड तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 16 साल 286 दिन। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबे टाइम तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। और ऑफिस में डाई इन हार्नेस, ऑफिस में हमारे डाई होने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर भी कौन से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। गुलजारी लाल नंदा, ये पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो 1964 में बनते हैं। दूसरे बनते लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से लेकर के 1966 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहते हैं,
और 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। गुलजारी लाल नंदा, और ये फिर से आप लोगों के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते 13 दिन के लिए। नेक्स्ट आती इंदिरा गांधी, जो 1966 से लेकर के 1977 तक बनती हैं, भारत की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। मोरारजी देसाई, जब आप लोगों की जनता पार्टी की सरकार आती है 1977 में, तो मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। एकमात्र ऐसे पीपल है, ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं ये, जिनको इंडिया का भी हाईएस्ट सम्मान दिया जा चुका है, भारत रत्न, और पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान भी दिया जा चुका है। तो कौन थे ये? मोरारजी देसाई। ओल्डेस्ट, सबसे बूढ़े प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो भी आप लोगों का उत्तर होगा मोरारजी देसाई। और एंड फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, तो ऑफिस से रिजाइन करने वाले भी कौन थे पहले? मोरारजी देसाई थे। चरण सिंह 1979 से लेकर के 1980 170 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने संसद का सामना नहीं किया वो थे चरण सिंह। इंदिरा गांधी फिर से वापस पावर में आती है 1980 से लेकर के 1984 तक, पहली महिला जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राजीव गांधी देख लेते हैं, 1984 से लेकर के 1989 पूरा टेन्योर 5 साल का इन्होंने पूरा किया, और ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो सबसे यंगेस्ट कौन थे? राजीव गांधी थे। सबसे ओल्डेस्ट कौन से थे? तो मोरारजी देसाई थे। वीपी सिंह, तो ये कब बनते हैं? 1990 में बनते हैं। और अविश्वास, जो आप लोग का नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, वो इन्हीं के अगेंस्ट आया था। उसके बाद आता है चंद्रशेखरा, तो ये 1991 में बनते हैं, और ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। पीवी नरसिम्हा राव, तो ये 1991 से लेकर के 1996 तक बनते हैं, और पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो साउथ इंडिया से थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं 1996 में, सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री। HD देवगौंडा, ये कब बनते हैं? 1997 में बनते हैं, और ये जनता दल से संबंधित है HD देवगौंडा। फिर आता है आप लोग के इंद्र कुमार गुजराल, जो 1998 में 332 दिन के लिए बनते हैं 1997 से लेकर के। अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट टाइम फुल टाइम के लिए बनते हैं 1998 से लेकर के 2004 तक, 6 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने PM के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। मनमोहन सिंह, जो आप लोग के 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर के करंट तक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के 14 प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल को सेवा दी है, नरेंद्र मोदी जी। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट, मेजर सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंडिया में कौन कौन से जहाँ पर रिसर्च होती है। जो सबसे पहला आता है आप लोग का इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो देहरादून में है। इंडियन वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ मिलेगा आप लोगों को? देहरादून में मिलेगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, इसको बोलते हैं सिबरी, सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आप लोग का इज्जत नगर बरेली में स्थित है। नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, ये भी पूछते हैं नागपुर वाला। नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आप लोगों को मिलेगा बीकानेर में। नेशनल भूभौतिकी, तो ये आप लोगों का होगा हैदराबाद में, नेशनल भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आप लोगों का नीरी, इसको बोलते हैं नागपुर में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आप लोगों का नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये आप लोगों का प्रयागराज में है। सेंट्रल सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों को करनाल में मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो ये आप लोगों का बेंगलोर में है हॉर्टिकल्चर वाला। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेंटर देहरादून में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी एंड नेचुरल हिस्ट्री, तो ये कहाँ पर मिलेगी आप लोग? कोयम्बटूर में मिलेगी, सलीम अली के नाम पर। इंडियन बॉटनिकल सीन कोलकाता में है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ से आप लोगों का? कोलकाता में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों को मिलेगा झांसी में। सेंट्रल डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा जोधपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी मिलेगा आप लोगों को नई दिल्ली में। इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी, तो ये आप लोगों की पुणे में है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी, तो ये आप लोगों को मिलेगा लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर इन माइनिंग, तो ये आप लोगों को मिलेगा धनबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये है आप लोगों का कोलकाता में।
सेंट्रल फ्यूल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जादूगोड़ा झारखंड में। तो ये थे आप लोगों के रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जो इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं आप लोगों के, मैंने कवर करवा दिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का मेजर पासिस, कौन सा पासिस कहाँ है, कितने पासिस हैं। तो स्टेट वाइज देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन सा कारोकोरम हो गया, और जो ज़िला भी कहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जो ज़िला को श्रीनगर से जोड़ता है, पीर पंजाल को वेस्ट श्रीनगर से जोड़ता है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा पीर पंजाल। उसके बाद आता है बुरजिल, बुरजिल दर्रा, ये आप लोगों का बुरजिल को जोड़ता है श्रीनगर गिलगिट गिलगिट से, और बनिहाल को जोड़ता है जम्मू कश्मीर से। उसके बाद आता है आप लोग का उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, एक तो नीति पास है, माना पास है और लिफू लेक पास है, तीन पास उत्तराखंड में हैं। मणिपुर में तूजू दर्रा, पूछते हैं कि तूजू दर्रा कहाँ से मणिपुर में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा रोहतांग है, बड़ा लाचा और शिप किला, ये कहाँ पर आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। सिक्किम में कौन सा नाथुला और जेलापुला, ये आप लोगों के सिक्किम में है। और केरला में आप लोगों के कौन से, पालाघाट केरला तमिलनाडु, खैबर दर्रा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, खैबर दर्रा, थालघाट पास नासिक थ्रू महाराष्ट्र, तो ये होगा थालघाट। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, दीपू है और यांगयाप दर्रा, ये कहाँ पर हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे दर्रे। अब देखेंगे हम नेशनल पार्क, नेशनल पार्क से भी एक दो क्वेश्चन आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। स्टेट वाइज देखेंगे राजस्थान में कौन सा केवला देव है, रणथंबोर, उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी राजस्थान में, डेजर्ट कहाँ से राजस्थान में, और घाना पक्षी विहार, ये भी कहाँ से मिलेगा आप लोगों को राजस्थान में। केवला देवी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और माउंट आबू ये कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को राजस्थान में। उसके बाद एमपी में देख लेते हैं, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, माधव, पन्ना, पेंच, वन विहार, और उसके बाद हो गया आप लोगों का बांधवगढ़ और संजय नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ से आप लोगों के एमपी में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा एंड मोलिंग, MOULING, तो ये कहाँ मिलेंगे आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में। हरियाणा में दो ही हैं, सुल्तानपुर और कालेश्वर। उत्तर प्रदेश में भी दो ही मिलेंगे आप लोगों को, दुधवा और चंद्रप्रभा। मणिपुर में केबुल लामजाओ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ। फिर सिरोही नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को मणिपुर में। झारखंड में बेतला, हजारीबाग और धीमा। सिक्किम में एक ही आप लोगों का कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। त्रिपुरा में आप लोगों का क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। ओडिशा में भितरकनिका, सिमलीपाल और नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। तमिलनाडु में हो गया गल्फ ऑफ मन्नार होगी। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को तमिलनाडु में मिलेगा। पलानी हिल्स ये भी तमिलनाडु में है, और मुकुर्थी और मुद्दुमलई ये सारे आप लोगों के तमिलनाडु में है। मिजोरम में आप लोगों का माउंटेन हो गया, मुरलेन हो गया और फांगपुई हो गया। जम्मू कश्मीर में दाचीगम, सलीम अली और किश्तवाड़ हो गया आप लोगों का, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ये भी कहाँ से श्रीनगर में। लद्दाख का जो हेमिस नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लद्दाख में है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में सुंदरबन हो गया, बक्सा हो गया, जल्दापारा हो गया, गोरुमारा हो गया और सिंगालीला, ये आप लोगों के वेस्ट बंगाल में है। अब चलते हैं असम के, मानस हो गया असम में एक तो, उसके बाद काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू साइकोवा, और ये आप लोगों के दिहांग पटकाई हैं आप लोगों के असम में। आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं, कसूरु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क ये भी आप लोग का आंध्र प्रदेश में, मुर्गवानी, वेंकटेश्वरम और कवाला नेशनल पार्क ये सारे के सारे आप लोगों के आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर भी आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में बोरीवली जिसको संजय गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, चंदौली, उसके बाद तबोड़ा, गुगमल और नवागांव ये सारे कहाँ से हैं महाराष्ट्र में। अंडमान निकोबार के मोस्ट इंपोर्टेंट है सैडल पीक और महात्मा गांधी मैराइन ये कहाँ से आप लोगों का अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार, रानी की झांसी मैराइन नेशनल पार्क ये भी आप लोगों को अंडमान निकोबार में मिलेगा। साउथ बट्टन जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये भी आप लोग को मिलेगा अंडमान निकोबार में। हिमाचल प्रदेश के पिन वैली हो गया, उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रोहिल्या नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलबारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। गुजरात के देख लेते हैं, गिर पूछते हैं आप लोगों से, गिर कहाँ पर है, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क ये आप लोगों को गुजरात में मिलेगी। गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क गुजरात। उत्तराखंड में होगा जिम कॉर्बेट पार्क, वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी ये सारे कहाँ से उत्तराखंड
राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड और गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो ये थे हर एक स्टेट के नेशनल पार्क, कुछ और रह चुके हैं वो भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास, और केरला में साइलेंट वैली हो गया, पेरियार हो गया, मतिकेतन हो गया, उसके बाद अन्नामलाई हो गया, एनारकुलम हो गया, सारे केरला वाले हैं। और पंजाब का आप लोगों का हरिके वेटलैंड। उसके बाद कर्नाटका के देख लेते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख और तुंगभद्रा, ये सारे कहाँ से हैं, कर्नाटका में हैं। तेलंगाना के देख लेते हैं, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नरसनी, ये बहुत पूछते हैं किन्नरसनी सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आप लोगों की तेलंगाना में। उसके बाद गोवा के देख लेते हैं, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क, अगर सलीम अली के नाम पर बर्ड सेंचुरी पूछा जाए तो गोवा में हो जाएगा, सलीम अली के नाम पर नेशनल पार्क पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर। नेत्रावली भी कहाँ पर है, गोवा में है। चोरू भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, गोवा में है, और भगवान महावीर के नाम पर है वो भी गोवा में है। बिहार में आप लोगों का वाल्मीकि हो गया, विक्रमशिला हो गया और कंवर लेक होगा, ये सारे कहाँ पर है, बिहार में है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे टॉलेस्ट। तो एक एक करके देखेंगे कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे भारत का कौन सा है, तो NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है। लार्जेस्ट लाइब्रेरी हमारी नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता में है। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारा गुजरात हो जाएगा। लार्जेस्ट मैन मेड लेक गोविंद सागर है। लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक चिल्का झील है। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड पूछा जाए तो हो जाएगा आप लोगों का ब्रह्मपुत्र नदी में है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट गुजरात। लॉन्गेस्ट टनल चेनानी नासरी सरंग जम्मू कश्मीर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा आप लोगों का NH7। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, तो ये भूपेन हजारिका सेतु होगा। द लॉन्गेस्ट रिवर गंगा रिवर 25-25 किलोमीटर। सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सिक्किम। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे लंबी नहर होगी इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी क्या है आप लोगों का, मुंबई। सबसे ज़्यादा दूरी तय चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। बिना रुके सबसे ज़्यादा दूरी तय कर चलने वाली ट्रेन त्रिवेंद्रम राजधानी। सबसे लंबा रेलवे पुल बेम्बेनाड रेलवे ब्रिज। सबसे बड़ा बीच होता है आप लोगों का मरीना बीच जो चेन्नई में है। उसके बाद सबसे ऊँचा डैम टिहरी डैम। सबसे बड़ा गुंबद, तो ये हो जाएगा गोल गुंबद विजापुर। सब इंडियाज़ हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल झरना कर्नाटका में। भारत का सर्वोच्च जो गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन सा, परमवीर चक्र। सर्वोच्च होनर कौन सा है, भारत रत्न। और लार्जेस्ट गोरुमारा आप लोगों का अमृतसर। सर्वाधिक रहस्य गहनता वाला राज्य आप लोगों का पंजाब। टिहरी डैम कहाँ से है, तो ये आप लोग का उत्तराखंड में है। सबसे बड़ी पब्लिश विजनरी, तो ये कहाँ मिलेगी आप लोगों को, तमिलनाडु के कवालूर में। सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कोयली गुजरात में। द लार्जेस्ट थिएटर, तो ये थंगम थिएटर है तमिलनाडु का। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री। द लार्जेस्ट म्यूजियम, तो ये जाएगा नेशनल म्यूजियम कोलकाता। सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, तो ये जाएगा सणमुखा नंदहाल मुंबई। द लार्जेस्ट थिएटर, सबसे बड़ा थिएटर कौन सा है, तो राजमंदिर जयपुर में है। सबसे ऊंचा टावर कौन सा, पीतमपुरा नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। सबसे बड़ा बीच कौन सा, मरीना बीच चेन्नई का। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो गोविंद सागर है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र सियाचिन, क्या है, सियाचिन। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, बिड़ला प्लेनेटोरियम। सबसे डीपेस्ट कोल माइन कौन सी, हमारी रानीगंज है। द लार्जेस्ट हॉस्पिटल बीजे मेडिकल हॉस्पिटल अहमदाबाद। लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस JPO मुंबई। लार्जेस्ट हाईवे कौन सा है, तो रामनाथ स्वामी रामेश्वरम में। सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान चायल क्रिकेट मैदान हिमाचल। सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना। लार्जेस्ट एनिमल फेयर सोनपुर बिहार में लगता है। फिर आता है टॉलेस्ट टावर कौन सा है, तो कुतुब मीनार है। भारत की सबसे बड़ी झील पूछे जाए तो बुलर झील है। सबसे उच्चतम रेडियो स्टेशन कौन सा, तो रेडियो 1।
सबसे बड़ा रेगिस्तान थार डेजर्ट, लार्जेस्ट केव टेम्पल हो जाएगा कैलाश टेम्पल, लार्जेस्ट टेम्पल हो जाएगा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, सबसे बड़ी गुफा क्रेमी की पुरी है, सबसे बड़ा चर्च क्या है कैथेड्रल चर्च, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है तो आप जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, द लार्जेस्ट मॉस्क जामा मस्जिद, हाईएस्ट माउंटेन पीक आप लोगों की गोडविन S2 या फिर K2, सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा आप लोगों का MP मध्य प्रदेश, लार्जेस्ट प्रिजन तिहाड़ जेल, सबसे बड़ी सड़क कहाँ सी आप लोगों का JT रोड को बोलते हैं लार्जेस्ट सड़क, लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है मुंबई पोर्ट है आप लोगों का सबसे बड़ा पोर्ट, फिर आता है टोलेस्ट डूर कौन सा है आप लोगों का बुलंद दरवाज़ा, सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज, सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, सबसे गीला प्लेस मासी नाम, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो ये कर्नाटक में बन रहा है हुबली में, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बनेगा, उसके बाद सबसे बड़ा साइकिल निर्माता हीरो साइकिल जो हरियाणा में इसका प्लांट है, तो ये थे सबसे बड़े लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट जो हम देख चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक आता है मंदिर ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख प्रमुख मंदिरों की सूची, तो देख लेते हैं एक एक करके। अमरकंटक मंदिर छत्तीसगढ़ में है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर, फिर अन्नामलाई मंदिर तमिलनाडु, औरंगाबाद मंदिर झारखंड, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ मिलेगा आप लोगों को तमिलनाडु में मिला, दुर्गियाना मंदिर पंजाब, चन्ना के सेवा मंदिर कर्नाटका, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, स्वर्ण मंदिर पंजाब, गुमतेश्वर मंदिर कर्नाटका और गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड, होयशला मंदिर आप लोगों का कर्नाटका, कालीघाट मंदिर आप लोगों का कहाँ मिलेगा पश्चिम बंगाल, इस्कॉन टेम्पल उत्तर प्रदेश, कानका टेम्पल आंध्र प्रदेश, कामाख्या टेम्पल उड़ीसा जहाँ पर अबूबाची मेला लगता है, कांचीपुरम तमिलनाडु, केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड, काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, खुजराव टेम्पल मध्य प्रदेश, कुंभकोणम टेम्पल कहाँ है आप लोगों का तमिलनाडु, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल दिल्ली, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा, मलिनीथन मंदिर अरुणाचल प्रदेश, कमल मंदिर नई दिल्ली, मणिकरण मंदिर आप लोगों का हिमाचल प्रदेश, फिर आता आप लोगों का मालीनीथन मंदिर अरुणाचल प्रदेश, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु, फिर आता आप लोगों का नेल्लईप्पर टेम्पल तमिलनाडु, रामतीर्थ मंदिर पंजाब, रामनाथ स्वामी टेम्पल तमिलनाडु, सबरीमला टेम्पल केरल, रणकपुर मंदिर राजस्थान, सांची स्तूप आप लोगों का मिलेगा MP मध्य प्रदेश, शंकराचार्य मंदिर जम्मू कश्मीर, शिरडी साई बाबा मंदिर महाराष्ट्र, दिगंबर जैन लाल मंदिर दिल्ली, सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केरला, सोमनाथ टेम्पल गुजरात और तिरुपति बालाजी मंदिर आप लोगों का आंध्र प्रदेश, खिलई नटराज टेम्पल तमिलनाडु, वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल जो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसमें देखते हैं कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, तो राजीव गांधी के नाम पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आप लोग हैदराबाद में मिलेगा, श्री गुरु रामदास जी के नाम पर जो एयरपोर्ट है उसको कहाँ पर है अमृतसर में, फिर आता है लोकप्रिय गोपीनाथ वाला असम गुवाहाटी में है, बीजू पटनायक के नाम पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये उड़ीसा में है, गया एयरपोर्ट आप लोग का बिहार में है, फिर आता है आप लोगों का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हवाई अड्डा तो ये आप लोगों को मिलेगा नई दिल्ली में, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला गुजरात में है, केम्पेगौड़ा वाला बेंगलुरु कर्नाटका में है, मंगलोर वाला भी मंगलोर कर्नाटका में है, फिर आता कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आप लोगों का केरला में है, कालीकट वाला आप लोगों का कोझिकोड केरल में है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों का तिरुवनंतपुरम केरल में है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो है वो मुंबई में है, भीमराव अम्बेडकर के नाम पर है वो मुंबई के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ से आप लोगों का जयपुर राजस्थान में, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है तमिलनाडु में है, उसके बाद आता है तिरुचिरापल्ली तो ये आप लोगों का तमिलनाडु में मिलेगा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आप लोगों का यूपी में है, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर जो एयरपोर्ट है ये आप लोगों का यूपी के वाराणसी में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर जो एयरपोर्ट है ये आप लोगों का कोलकाता पश्चिम बंगाल में मिलेगा, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्नूर केरला में है,
सूरत एयरपोर्ट सूरत राजस्थान में है, सूरत आप लोग गुजरात में है, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो एयरपोर्ट है आप लोगों का इंदौर मध्य प्रदेश में है। डाबोलिम हवाई अड्डा ही आप लोगों का डाबोलिम गोवा में है। कोम्बेटूर वाला आप लोगों का तमिलनाडु में है। सेकुल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप लोगों का यहाँ पर है श्रीनगर जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर। इम्फाल वाला आप लोगों का मणिपुर में है। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा? मणिपुर में। मदुरई एयरपोर्ट मदुरई में। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। फिर मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों का मंगलोर कर्नाटक में। नासिक वाला आप लोगों का नासिक महाराष्ट्र में। वडोदरा वाला आप लोगों का वडोदरा गुजरात में। तो ये थे आप लोगों के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या चीज़ मेज़र की जाती है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सेलरोमीटर। तो ये क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द ग्रोथ रेट ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल की स्पीड को मेज़र करने के लिए एक्सेलरोमीटर। एनीमोमीटर होता है आप लोग का विंड की वेलोसिटी को मेज़र करता है एनीमोमीटर। एपिकाइस्कोप तो ये क्या मेज़र करता है? अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के काम आता है आप लोगों का एपिकाइस्कोप। एक्यूमुलेटर क्या करता है? ये एक्यूमुलेट इकट्ठा करता है या स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। एक्टिनोमीटर क्या करता है? ये आप लोगों का जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको निर्धारित करने वाला यंत्र होता है एक्टिनोमीटर। ऑडियोमीटर तो ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड उसको मेजर करता है ऑडियोमीटर। फिर आता है आप लोग का ऑडियोफोन जो सुनने में हेल्प करता है ऑडियोफोन। उसके बाद आता है आप लोग का एरोमीटर वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व को मापने का मित्र होता है होता है आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट एरोमीटर। अल्टीमीटर तो जो आप लोगों की हाइट होती है एयरक्राफ्ट की उसको मेज़र करता है अल्टीमीटर। एमीटर तो ये मेज़र करता है करंट को इन एम्पियर में होता है एमीटर। फिर आता है आप लोग का ओरिस्कोप तो जो ए डिवाइस यूज्ड टू इंस्पेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ईयर उसको बोलते हैं ओरिस्कोप। और जो ओरोलॉजी होता है ओरोलॉजी इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ ईयर। एवोमीटर तो ये क्या मेजर करता है? ये रेडियो फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस होता है एवोमीटर। बैरोग्राफ तो ये क्या इंडिकेट करता है? रिकॉर्ड करता है फिर चेंजेज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर तो ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट को इंस्ट्रूमेंट को मेजर करता है बायरोमीटर। बाइनोकुलर्स तो ये क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट तो ये होता है बाइनोकुलर्स। बोलोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का क्या मेजर करता है? थर्मल रेडिएशन को मेजर करता है आप लोगों का बोलोमीटर। कैलिपर्स तो ए डिवाइस फॉर मेजरिंग द डायमीटर इनसाइड एंड आउटसाइड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर है वो कौन मेजर करता है? कैलिपर्स। ये देख सकते हैं आप लोग कैलिपर्स। तो ये थे इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे कौन क्या किससे क्या मेजर किया जाता है। एक टॉपिक हो रहा था आप लोगों का कितने हाईकोर्ट है कौन सा हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है और किस हाईकोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन से स्टेट एंड यूटी आते हैं। तो इस टॉपिक को भी अभी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला हाईकोर्ट आता है आप लोगों का इलाहाबाद हाईकोर्ट। पूछते हैं कि सबसे पहला हाई कोर्ट इंडिया में कौन सा था? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट था जो 1866 में बना था। सबसे ज़्यादा जज भी आप लोगों को इसी हाई कोर्ट में मिलेंगे और यूपी में है ये आप लोगों का। उसके बाद बनता है आप लोगों का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो 2019 में बनता है। बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 एक्ट आप लोगों का हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत ही बनता है। तो एक तो स्टेट आओगे आप लोगों का बॉम्बे जिसमें मोर देन वन स्टेट को ज्यूरिसडिक्शन आता है। गोवा का आता है दादर एंड नगर हवेली का आता है दमन एंड दीव एंड महाराष्ट्र तो इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट के पास है। उसके बाद आता है आप लोग का कलकत्ता हाई कोर्ट तो ये सेकंड नंबर का हाई कोर्ट हो गया जिसमें मोर देन वन स्टेट या यूटी का ज्यूरिसडिक्शन ले रखा है। तो इसके पास अंडमान निकोबार का ज्यूरिसडिक्शन है कोलकाता हाई कोर्ट जो 1862 में बना था।
छत्तीसगढ़ का आप लोगों का हाई कोर्ट हो गया, जो मध्य प्रदेश रिकॉग्नाइज एक्ट 2000 उससे बना था और 2000 में बना था छत्तीसगढ़ में। दिल्ली हाई कोर्ट आप लोगों का दिल्ली में है, सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली का ज्यूरिसडिक्शन है इसका। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये आप लोगों का 1948 में बनता है। गुजरात हाई कोर्ट 1960 में बनता है। और हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये आप लोगों का कब बनता है, 1971 में। जम्मू कश्मीर का आप लोगों का 1928, झारखंड का आप लोगों का 2000 में बनता है। उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट 1884, केरला हाई कोर्ट 1956। केरला के पास आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप का ज्यूरिसडिक्शन किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है, तो ये हो जाएगा केरला हाई कोर्ट। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का, ये आप लोगों का एमपी में है, 1936 में बनता है। मद्रास हाई कोर्ट, आज भी इसको मद्रास बोला जाता है, लेकिन मद्रास शहर का नाम चेन्नई हो चुका है, लेकिन हाई कोर्ट का नाम आज भी मद्रास ही है। 1862 में बनता है। मणिपुर हाई कोर्ट 2013 में बनता है, और इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ मणिपुर का ही ज्यूरिसडिक्शन है। मेघालय हाई कोर्ट 2013 में। उड़ीसा हाई कोर्ट 1948, उड़ीसा में। उसके बाद पटना हाई कोर्ट जो 1916 में बनता है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 1947, इसका भी ज्यूरिसडिक्शन दो या तीन स्टेट का है, चंडीगढ़ का, हरियाणा का एंड पंजाब का। उसके बाद राजस्थान का, तो राजस्थान में आप लोगों का 1949 में बनता है और ये राजस्थान में है। सिक्किम हाई कोर्ट 1975, तेलंगाना 2019। उसके बाद आप लोगों का आता है त्रिपुरा में, आप लोगों का 24 है नंबर पर आता है, 24वें नंबर का त्रिपुरा में, 2013 में त्रिपुरा में बना था। और जो 25वें नंबर का हाई कोर्ट है ये आप लोगों का उत्तराखंड हाई कोर्ट है, 9 नवंबर 2000 को बना था, और उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के माध्यम से बना था उत्तराखंड में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं जिनका ज्यूरिसडिक्शन मोर देन वन स्टेट के पास है, तो आप लोग कैलकुलेट करिएगा, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। क्योंकि जो अभी SSA सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम NTA ने कंडक्ट करवाया था, तो उसमें उसने स्टेटमेंट दे रखे थे कितने हाई कोर्ट हैं और कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका ज्यूरिसडिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा है, तो हम यही काउंट कर लेते हैं। तो एक तो ये हो गया आप लोगों का पंजाब वाला, दूसरा आप लोगों का हो गया मद्रास वाला, तीसरा आप लोगों का केरला वाला हो गया, चौथा आप लोगों का जम्मू कश्मीर वाला हो गया, पांचवा आप लोगों का गुवाहाटी वाला हो गया, छठा आप लोगों का कोलकाता वाला हो गया, और सातवा आप लोगों का बॉम्बे वाला हो गया। तो टोटल कितने हाई कोर्ट है, 7 हाई कोर्ट है, तो 7 हाई कोर्ट है और 25 तो टोटल है, लेकिन 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका ज्यूरिसडिक्शन मोर देन वन स्टेट का है, वो 7 ऐसे हैं। तो ये थे आप लोगों के हाई कोर्ट। उसके बाद एक टॉपिक हो रहा था आप लोगों का इम्पोर्टेंट डैम्स, तो ये भी हम लोग अभी कवर करेंगे कि इम्पोर्टेंट डैम्स, कौन सा डैम किस रिवर पर है। तो स्टेट वाइज देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से डैम है, एक तो बरना डैम है, बरगी डैम है, फिर उसके बाद गांधी सागर डैम है, इंदिरा सागर डैम है, और ओमकारेश्वर डैम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओमकारेश्वर डैम। उसके बाद झारखंड के कौन कौन से हैं, एक तो आप लोग को मिथुन डैम पूछते हैं, फिर आप लोगों से पूछते हैं कि चांदिल डैम कहाँ पर है और पंचित डैम कहाँ पर है, तो ये आप लोगों के झारखंड में है। उत्तराखंड के कौन कौन से, टिहरी डैम हर किसी को पता है, जमरानी डैम ये भी उत्तराखंड में है, लखवाड़ा डैम उत्तराखंड में है, और रामगंगा डैम भी उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा, गोविंद वल्लभ पंत डैम उन्हीं के नाम पर है जो उनके पहले चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, फिर राजघाट डैम भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम हो गया, पार्वती डैम हो गया, चमेरा डैम मोस्ट इंपोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट, नाथपा झाकरी डैम मोस्ट इंपोर्टेंट हिमाचल प्रदेश, सोमशिला डैम और श्रीशैलम डैम ये कहाँ से आप लोगों के, आंध्र प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आप लोगों का, बगलिहार मोस्ट इंपोर्टेंट है, सलाल डैम मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर आप लोगों का आता है दमदार डैम, ये भी आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, जम्मू कश्मीर, और फखल डैम मोस्ट इंपोर्टेंट, गुजरात के सरदार सरोवर डैम, उकई डैम, फिर आता आप लोगों को सुकाई डैम और दंतेवाड़ा डैम, आप लोगों को नाम भी याद रखने हैं कि ये किस रिवर पर है। फिर केरला के डैम देख लेते, इडुकी डैम मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेरुथानी डैम मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेरुथानी डैम भी बहुत बार पूछते हैं कि चेरुथानी डैम कहाँ पर है, तो ये आप लोगों का केरला में है। फिर आता आप लोग कक्की डैम, कालडा डैम, फिर आप लोगों का में आता है मैटीपुट्टी डैम, और नेक्स्ट आता है आप लोगों का कुलाम्बू डैम, और नैयार डैम पूछते हैं, नैयार डैम जरूर याद रखिएगा। कर्नाटक के देख लेते हैं, एक तो लिंगनमाकी डैम कर्नाटका में है, उसके बाद अलमाटी पूछते हैं, अलमाटी कहाँ पर है, ये भी कर्नाटका में है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है तुंगभद्रा डैम, तो लिंगनमाटी, अलमाटी और तुंगभद्रा ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखने, इनके डैम से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। उसके बाद आता है तेलंगाना में कौन कौन से हैं, एक तो श्रीशैलम डैम है, निजाम सागर डैम है, सिंगूर डैम है और राधानगरी डैम है। पंजाब में कौन सा, रंजीत सागर डैम कहाँ से है पंजाब में। तमिलनाडु के कौन कौन से, एक तो अलियार डैम है तमिलनाडु में, भवानी सागर डैम है, उसके बाद मेट्टियूर डैम है ये तमिलनाडु में है, मेट्टियूर के बाद आप लोगों को याद रखना है वेगे डैम और पेरुन चेनी डैम, तो ये कहाँ से आप लोगों का, तमिलनाडु में।
सिक्किम के देख चुके हैं। रिंगिट डैम पूछते हैं कि सिक्किम में कहाँ कौन सा डैम है। रिंगिट डैम उड़ीसा में, इंद्रावती डैम, हीराकुंड डैम और जलपुट डैम, मंडीरा डैम और आप लोग का हो जाएगा रंगाली डैम, मोस्ट इंपोर्टेंट है उड़ीसा का रंगाली डैम। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डैम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो कौन कौन से याद रखने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो आप लोगों से पूछा जाता है कि घाटघर डैम कौन सा, घाटघर और बन्ना डैम और आप लोग का भादसा डैम। उसके बाद राजस्थान के देख लेते हैं, जवाहर सागर डैम, फिर आता है आप लोगों का राणा प्रताप सागर डैम और ग्रैंड रेनेसा डैम। तो ये कहाँ से आप लोगों के, झारखंड, ये राजस्थान में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 2011 का सेंसस, ये भी बहुत बार पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, जो आप लोगों से ज़रूर देखने को मिलेगा आप लोगों का 2011 का सेंसस। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है और 2011 की जो पॉपुलेशन थी हमारी 15वें नंबर की जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद 7वें नंबर की थी। और भारत की पहली जो सेंसस हुआ था वो 1951 में हुआ था, जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। पहली बार जो हमारे यहाँ जो रेगुलर सेंसस, लीगल सेंसस कंडक्ट करवाया गया था वो 1872 में कंडक्ट करवाया गया था, जो लॉर्ड मायो के टाइम पर था। किसके, लॉर्ड टाइम, लॉर्ड मायो, ये भी पूछते हैं कि किसके टाइम पर, लॉर्ड मायो के। और जो रेगुलर स्टार्ट हो गया था, कि रेगुलर कब स्टार्ट हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर 1881 में, और ये ऑफिशियल नहीं था 1872 में, तो ये रेगुलर नहीं था लेकिन पहला सेंसस था इसलिए ही पूछते हैं। और रेगुलर कब हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम पर 1881 में, तो इसलिए पूछते हैं। तो ये मायो का भी नाम याद रखिए, लॉर्ड रिपन का भी, ईयर भी, ये भी आप लोगों से ज़रूर पूछते हैं। और भारतीय जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921, ये भी पूछते हैं। उसके बाद स्मॉल डिवीज़न ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1951। फिर आता आप लोगों का, इस समय 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 के अकॉर्डिंग और करंट में तो 140-141 करोड़ के आसपास है। विश्व जनसंख्या में भारत की, हमारे 17.5% जो पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड में, वो इंडिया की पॉपुलेशन है। और द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया कितनी, 58.74 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इन्फेंट पॉपुलेशन कितनी है, तो 16.44 करोड़। और डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से लेकर के 2011 के बीच में कितनी थी, तो 16.79%। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश है और द स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम है। द मोस्ट पॉपुलर यूटी दिल्ली है और सबसे कम वाला लक्षद्वीप है। फिर द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो यह है दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश। और पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की कितनी, 382 है। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये आप लोगों को बिहार की है, 1000 से ऊपर है, 1106। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में पूछा जाए तो दिल्ली की है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में पूछा जाए तो किसकी है, अंडमान निकोबार की है। द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली का। और न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला, तो यह कौन सा आप लोगों का, दिबांग वैली, इसकी सबसे कम डेंसिटी है। सेक्स रेशियो इंडिया का कितना, 943 है। और सबसे ज़्यादा किसका, केरला का है। और सबसे कम किसका, हरियाणा का है। और न्यूनतम, सबसे कम जो सेक्स रेशियो पूछा जाए यूटी में किसका है, तो दमन एंड दीव का है। और सबसे कम सेक्स रेशियो वाला, जो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो माहे है, पुडुचेरी का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे कम सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट, हो जाएगा दमन एंड दीव वाला है, विद मिनिमम सेक्स रेशियो 533। लिटरेसी इंडिया की कितनी, 73% है। और मेल लिटरेसी 80.90% है और फीमेल लिटरेसी 64.6% है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला की है और सबसे कम लिटरेसी आप लोगों की बिहार की है। यूटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी लक्षद्वीप की है और सबसे कम लिटरेसी दादर एंड नागर हवेली की है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी है जिस डिस्ट्रिक्ट की, तो वो सरचिप मिजोरम का है। और सबसे कम लिटरेसी वाला जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आप लोगों का अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। वर्तमान में जो भारत के जनगणना आयुक्त हैं वो कौन है, ये आप लोगों के शैलेश। 2011 के प्रथम चरण की जो अवधि थी 1 अप्रैल 2010 से लेकर के सितंबर 2010 के अंत तक आप लोगों का ये सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। 2001 के द्वितीय चरण आप लोगों का 9 से 28 फरवरी, और भारत में पहली बार जो कास्ट सेंसस था ये आप लोगों का 1931 में हुआ था। उसके बाद से आज भी टाइम टाइम पर डिमांड होती है कि कास्ट सेंसस को कराया जाए, लेकिन सरकार उसको नहीं कराती है।
तो ये थे एक मैराथन क्लास स्टैटिक जीके पर, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जो आप लोगों का इसरो का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो ये आप लोगों की मैराथन क्लास है, इसकी PDF आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए जाकर के आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस PDF को डाउनलोड करके रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आती है और आप लोग चाहते हैं कि और क्लासेस ली जाएँ GK के ऊपर, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को और क्लासेस बाईलिंगुअल ही करा दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लंबी वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो अगर एक आध एरर भी हुई तो उसको इग्नोर करके आप लोग मुझे बता दीजिएगा, सर यहाँ पर थोड़ी बहुत एक एरर है। तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।